क्या रिलीजन हमको किसी का मर्डर करना सिखा सकता है? क्या रिलीजन हमसे हमारे सोचने समझने की शक्ति ले सकता है? वेल, इसी डीप टॉपिक पर आज की हमारी फिल्म बेस्ड है, जिसमें हमें लोगों के रिलीजन के प्रति इंसेरिटी देखने के लिए मिली है। हर चीज के देखने के दो नजरिए होते हैं। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको अच्छे नजरिए से देख रहे हैं या फिर बुरे नजरिए से। ये कहानी भी ऐसे कुछ चीजों को एक्सप्लेन करती है। इस कहानी की एंडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से अब समय को ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी को। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग टिन एंड टीना। कहानी की शुरुआत में हमें एक शादी का सीन दिखाया जाता है। अडोल्फो और लोला दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। लोला प्रेग्नेंट है, इसलिए इन दोनों ने शादी कर ली है। ये दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन लोला का मिसकैरेज हो जाता है। उसकी बॉडी के अंदर काफी इंजरीज हुई हैं, जिन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से वो अब कभी भी मां नहीं बन सकती है। लोला इस चीज से काफी डिप्रेस हो जाती है। ऐसे ही अब काफी दिन निकल जाते हैं, लेकिन लोला अभी भी काफी डिप्रेस्ड होती है। एडोल्फो उसको कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। अडोल्फो लोला को बोलता है कि पास में एक कॉन्वेंट है जहाँ से हम एक बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन लोला अभी इस चीज के लिए रेडी नहीं होती। पर फिर भी अडोल्फो के जिद करने पर वो भी मान जाती है, जिसके नेक्स्ट सीन में हमें कॉन्वेंट का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ अडोल्फो और लोला उस कॉन्वेंट के प्रिंसिपल से मिलते हैं। हेडनन उनको बताती है कि हमारे कॉन्वेंट के सारे सिद्धांत पुराने ख्यालातों वाले हैं। इस कॉन्वेंट में ज्यादातर वो बच्चे रहते हैं जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया है, फिर चाहे वो उनकी फिजिकल एबिलिटी हो या फिर मेंटल, हम लोग उनको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। एडोल्फो उनको बताता है कि लोला भी एक कॉन्वेंट से ही पढ़ी है, जिधर हम लोला को उस कॉन्वेंट में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हुए दिखते हैं, मानो कि जैसे उसको पता हो कि हर कॉन्वेंट की सच्चाई क्या है। जिसके बाद हम वहाँ पर एक अजीब से म्यूजिक को प्ले होते हुए सुनते हैं, जिसको टिन और टीना ऑर्गन नाम के इंस्ट्रूमेंट पर प्ले कर रहे होते हैं। लोला को म्यूजिक बहुत पसंद आता है। वो टिन और टीना से मिलने जाती है, जहाँ अचानक से मौसम खराब हो जाता है। टिन और टीना दोनों ये कहते हुए लोला के पास चले जाते हैं कि ईश्वर हमसे नाराज है, जिस पर लोला उन्हें समझाती है कि ये तो बस बिजली चमक रही है। टीना और टिन लोला के साथ कंफर्टेबल फील करने लगते हैं, जबकि लोला को भी उनके साथ एक अजीब सा अटैचमेंट फील होता है, जिस वजह से वो अडोल्फो को इन दोनों को अडॉप्ट करने के लिए बोलती है। पहले तो अडोल्फो उसको ऐसा करने से मना करता है, लेकिन बाद में वो भी उन्हें अडॉप्ट करने के लिए मान जाता है, जिसके बाद लोला और अडोल्फो टिन और टीना को वहाँ कॉन्वेंट से ले जाते हैं, जहाँ रास्ते में अडोल्फो उन्हें एक मॉडर्न म्यूजिक सुना रहा होता है। पर टिन और टीना को वो म्यूजिक बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो दोनों बोलते हैं कि ये म्यूजिक तो शैतान का म्यूजिक है, जिसको सुनकर अडोल्फो और लोला हंसने लगते हैं। टिन और टीना दोनों बाहरी दुनिया से बिल्कुल अनजान है, उन्हें काफी सारी चीजों के बारे में पता ही नहीं है। अब घर आने पर लोला टिन और टीना को उनके पेट डॉग से मिलवाती है, जो थोड़ा सा एग्रेसिव होता है, जो टिन और टीना को बिल्कुल पसंद नहीं आता। जिसके बाद ये सब घर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ लोला उन्हें उनका कमरा दिखाती है। अब रात में ये सब डिनर टेबल पर पहुँचते हैं, जहाँ टिन अडोल्फो को जीसस क्राइस्ट का क्राउन पहनाता है, जबकि टीना लोला को होली रोजरी बीड्स की माला पहनाती है। वो लोग खाना खाने लगते हैं, जहाँ टिन और टीना अडोल्फो को प्रेयर करने के लिए बोलते हैं। यहीं पर हम नोटिस करते हैं कि लोला इन सब चीजों को नहीं मानती है, मतलब सिंपल है कि वो बहुत ज्यादा रिलीजियस नहीं है, जिसे टीना नोटिस कर लेती है। अब रात को लोला उन्हें उनके कमरे में सुलाने जाती है, जहाँ पर वो नोटिस करती है कि टिन और टीना के सामान में बहुत सारी बाइबल्स और क्रूसिफिक्स हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि क्रूसिफिक्स जीसस के क्रॉस को बोला जाता है। टिन और टीना लोला को बताते हैं कि ये क्रूसिफिक्स हमें डीमन से बचाएंगे, जिसके नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लोला के जागने से पहले ही टिन और टीना जाग जाते हैं। वो उन्हें ब्रेकफास्ट देती है, जहाँ दोनों बच्चे उसको बताते हैं कि वो जीसस को देख सकते हैं, और अगर लोला चाहे तो वो उसको दिखा भी सकते हैं। जिसके बाद टीना खड़ी होती है और टिन को चुप करने लगती है, जो लोला को बहुत वियर्ड लगता है। और जब टिन नियरली डेड हो जाता है, तो वो इशारा करके बोलता है कि मैंने जीसस को देख लिया है। लोला ये सब देखकर बहुत हैरान होती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाती, वो टिन और टीना के साथ मस्ती करने में बिजी हो जाती है। जिसके नेक्स्ट डे टिन और टीना का स्कूल में एडमिशन कराया जाता है, जहाँ पेड्रिटो यानी कि पेड्रो नाम का एक बच्चा उन्हें बुली करने लगता है।
वो उन्हें ड्रैकुला का बच्चा बोलकर चिढ़ाता है। लेकिन टिन और टीना तो जानते ही नहीं थे कि आखिर ड्रैकुला कौन है, जिसके बाद वो दोनों घर आकर लौला को सारी बात बताते हैं, जिस पर लौला उन्हें कहती है कि तुम दोनों थोड़ा अलग हो, इसीलिए पेड्रो को एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। लौला उन्हें अपना पैर दिखाते हुए समझाने की कोशिश करती है। वो बोलती है कि मैं भी थोड़ी सी अलग हूँ। उसका पैर नकली था, उसने अपने पैर और अपने पेरेंट्स को एक एक्सीडेंट में खो दिया था, जहाँ आगे वो रात में अपने पूरे घर में क्रूसिफिक्स को लगा हुआ देखती है, जिन्हें देखकर वो अडोल्फो से कहती है कि ये बच्चे कुछ ज्यादा ही रिलीजियस हैं, जिस पर अडोल्फो उसको बताता है कि ये बहुत नॉर्मल है क्योंकि वो लोग हमेशा से कॉन्वेंट में पले बढ़े हैं, जिसके बाद लौला उन्हें उनके रूम में सुलाने जाती है, जहाँ पर टिन और टीना उससे एक गेम खेलने के लिए बोलते हैं, और गेम खेलते खेलते वो लौला को चोक करने लगते हैं। वो बोलते हैं कि इससे आपको भी जीसस क्राइस्ट दिखने लगेंगे। लेकिन तभी सही समय पर वहाँ पर अडोल्फो आ जाता है, जो उनको बहुत डांटता है, लेकिन लौला उसको ऐसा करने से मना कर देती है। लौला अपने पेट डॉग के साथ अपने कमरे में होती है, जहाँ टिन और टीना उससे माफी मांगने आते हैं। वो बोलते हैं कि हमसे गलती हो गई है और हमें इस गलती की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन लौला का दिल माँ का दिल है, इसीलिए वो उनको ऐसा कुछ भी करने से इनकार कर देती है। लेकिन तभी अचानक से उसका पेट डॉग लौला के हाथ पर काटकर वहाँ से भाग जाता है। अब ये चीज भी बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि डॉग्स की फितरत है काटना, लेकिन टिन और टीना के हिसाब से उस डॉग ने पाप किया था, इसीलिए सबके सोने के बाद वो उनकी स्लीपिंग पिल्स को उनके डॉग के खाने में मिला देते हैं, जिसके बाद जब वो बेहोश हो जाता है तो वो दोनों उसको घर के अंदर ले आते हैं, जिसके बाद हमें पहली बार टिन और टीना की हैवानियत देखने के लिए मिलती है। टिन और टीना उस डॉग के दिल को बाहर निकालकर दोबारा उसको सिल देते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग अब वो डॉग फिर से पवित्र हो गया है। वो उसको बाइबल के राइट्स पढ़कर जगाने की कोशिश करते हैं, जिसके नेक्स्ट डे जब लौला और अडोल्फो नींद से जागते हैं तो वो टिन और टीना को खून से लथपथ देखते हैं। वो उनसे कहते हैं कि कुकी जाग नहीं रहा है। लौला और अडोल्फो अपने डॉग की ऐसी हालत को देखकर काफी हैरान होते हैं। टिन और टीना जानते थे कि उनके मॉम डैड उनसे नाराज हैं, इसीलिए वो अडोल्फो से माफी मांगने लगते हैं, जहां अडोल्फो पिघल जाता है, जो लौला को समझाता है कि ये दोनों अभी बच्चे हैं और इन्हें सही गलत सिखाना हमारी जिम्मेदारी है। जिसके नेक्स्ट डे एक बार फिर से पेड्रो को इन बच्चों को स्कूल में बुली करते हुए दिखाया जाता है। अब उसी रात लौला अपने कमरे में सो रही होती है, उसकी अचानक किसी आवाज से नींद खुल जाती है, और जब वो टिन और टीना के कमरे में जाकर देखती है तो उसको वो दोनों वहां पर नहीं मिलते। अब उन दोनों को ढूंढने पर लौला को वो दोनों घुटने के बल फोक बांधे हुए चलते हुए मिलते हैं, जिस वजह से उनके घुटने जख्मी हो जाते हैं। लौला के पूछने पर वो उसको बताते हैं कि बाइबल के अंदर लिखा है कि सेल्वेशन के लिए हमको ये करना जरूरी है, जिस पर लौला उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि ये सब चीज रियल नहीं है, ये सब एक फेरी टेल है और तुम्हें इन सब चीजों में फर्क करना सीखना होगा। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टिन और टीना के स्कूल में एक चर्च की रैली निकल रही होती है, जहाँ पेड्रो उनको फिर से परेशान करता है, जहाँ से सीन चेंज होता है और हमें एक बार फिर से पेड्रो को दिखाया जाता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा घायल होता है। उसे किसी ने पहाड़ से नीचे धक्का दे दिया है, जिसको इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर वो कोमा में चला जाता है। पेड्रो की मॉम लौला से कंफर्म करती है कि क्या टिन और टीना ने तो पेड्रो के साथ ऐसा कुछ नहीं किया, जिस वजह से लौला को उन दोनों पर शक हो जाता है, इसीलिए वो कॉन्वेंट में हेडनन से मिलने जाती है। वो उनसे पूछती है कि क्या कभी टिन और टीना ने यहाँ कॉन्वेंट में किसी बच्चे को नुकसान पहुँचाया है, जिस पर हेडनन उसको मना करते हुए रिलीजियस टीचिंग्स देने लगती है, जिस वजह से उन दोनों के बीच में बहस हो जाती है, जिसके बाद लौला वापस अपने घर आ जाती है। अब इसी बीच लौला की थोड़ी तबीयत खराब हो जाती है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि वो अचानक से प्रेग्नेंट हो गई है, जिसको सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है। अब यहाँ से कहानी हमें थोड़े समय के बाद की दिखाई जाती है, जहाँ लौला को एक दिन टिन और टीना की बाइबल में दो ड्रॉइंग्स मिलती हैं। पहली ड्रॉइंग वो होती है जो इन दोनों ने कुकी के साथ किया होता है, जबकि दूसरी ड्रॉइंग स्ट्रेंजली वो है जो पेड्रो के साथ हुआ है। ये सब देखकर लौला का शक अब यकीन में बदल जाता है। वो इस सारी बात अडोल्फो को बता देती है, लेकिन अडोल्फो उसको कहता है कि वो कुछ ज्यादा ही सोच रही है, जिसके बाद लौला पेड्रो की मॉम को कॉल करती है, जहां पर उसको पता चलता है कि पेड्रो की मौत हो गई है, इसीलिए अब वो टिन और टीना के सारे क्रूसिफिक्स और बाइबल को एक बॉक्स में बंद कर देती है। वो कहती है कि अब कोई रिलीजन से जुड़ी बात इस घर में नहीं होगी। जिसके नेक्स्ट डे जब लौला सोकर जागती है तो वो देखती है कि उसके बाल किसी ने काट दिए हैं। वो जानती थी कि ये सब टिन और टीना ने किया है। लौला अब इन दोनों बच्चों से डरने लगी है।
वो अडोल्फो को रुकने के लिए बोलती है, जिस पर अडोल्फो उसको कहता है कि तुम कुछ ज्यादा सोच रही हो, प्रेगनेंसी में ये चीज नॉर्मल है, हो सकता है कि तुम्हारे बाल इसी वजह से झड़ रहे हो। वो लौला और उन दोनों बच्चों को समझाता है कि तुम्हें एक दूसरे की केयर करनी होगी। अब अगले दिन जब लौला जागती है तो उसके दोनों हाथ बंधे होते हैं। टिन और टीना उसे जबरदस्ती दूध पिलाते हैं, लेकिन लौला उसको पीने से इनकार कर देती है, जिसके बाद वो दोनों उसके पेट में इंजेक्शन के जरिए बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश करते हैं। इस वजह से उसका मिसकैरेज भी हो सकता है, लेकिन लौला अपने हाथ को छुड़ाकर उन दोनों से दूर भाग जाती है। वो किचन से नाइफ उठाकर उन दोनों को अपने बच्चे से दूर रहने के लिए बोलती है। तब तक अडोल्फो भी वहां पर पहुंच जाता है, जो उसको कहता है कि ये मेरी गलती है, क्योंकि मैंने ही इन दोनों बच्चों को तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कहा था। अब इससे पहले अडोल्फो कुछ और बोल पाता, हम देखते हैं कि लौला को लेबर पेन शुरू हो गया है, जिसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पर वो एक बेटे को जन्म देती है। वहीं पर टिन और टीना भी आ जाते हैं, जो लौला से उसके बेटे के बैप्टिज्म के बारे में बात करते हैं, लेकिन लौला उनको ऐसा करने से मना कर देती है, जिस पर वो दोनों बोलते हैं कि बैप्टिज्म बाइबल के अकॉर्डिंग करना बहुत जरूरी है। अडोल्फो भी उनकी बात को टालने के लिए उनकी हाँ में हाँ मिला देता है। ऐसे अब कुछ दिन बीत जाते हैं, जहाँ एक दिन अडोल्फो घर पर ही मैच देख रहा होता है। वो लौला को ऑमलेट बनाने के लिए कहता है, लेकिन टिन और टीना अंडों को कहीं पर छुपा देते हैं, इसीलिए लौला फार्म से एग लेने चली जाती है। इसी बीच टिन और टीना लौला के बेटे को लेकर पूल साइड पर चले जाते हैं, जहाँ पर वो उसका बैप्टिज्म करने लगते हैं। वो उसको उल्टा पकड़कर पूल के अंदर डाल देते हैं, जिससे उसकी जान जाने वाली होती है, लेकिन सही समय पर लौला वहाँ पर आ जाती है, जिसके बाद ये लोग टिन और टीना को वापस कॉन्वेंट में छोड़ देते हैं। टिन और टीना बाइबल और उसकी सेइंग से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुकी हैं। खैर, अब हम आगे देखते हैं कि अडोल्फो और लौला रात के खाने के लिए बाहर जाते हैं, जहाँ लौला बोलती है कि उसको जॉब करनी है, इसलिए अब अडोल्फो को भी घर की जिम्मेदारी बराबर उठानी होगी। इस बात पर उन दोनों का झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों वापस घर आ जाते हैं, जहाँ अडोल्फो देखता है कि लौला थोड़ी सी अपसेट है, इसीलिए वो उसको बोलता है कि वो बच्चा संभालना सीख लेगा और एक अच्छा फादर बनकर दिखाएगा। तभी हम देखते हैं कि अचानक से इनके टीवी के सिग्नल चले जाते हैं, जिसको सही करने अडोल्फो छत पर जाता है, और उसके छत पर जाते ही लाइट्स अचानक से फ्लिकर करने लगती है, और अब इससे पहले कि लौला कुछ समझ पाती, वो अडोल्फो को जलते हुए बाहर देखती है। अडोल्फो बचने के लिए घर के अंदर भागता है, लेकिन आग ज्यादा लगने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। लौला अपने बच्चे को बचाने भागती है, जहाँ पर वो देखती है कि उसका बच्चा अपनी जगह से गायब है, और तभी उसको वहाँ पर उसी म्यूजिक की आवाज आती है जो टिन और टीना बजाया करती थी। वो समझ जाती है कि उसके बच्चे को भी उन दोनों ने मार दिया है, लेकिन तभी उसे उसके बच्चे की रोने की आवाज आती है, और जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, उसको वहाँ पर उसका बेटा दिखाई देता है, जिसको लेकर वो बाहर आ जाती है, जहाँ पर वो बेहोश हो जाती है। अगले दिन उसकी आंखें अस्पताल में खुलती है, जहाँ पर उसको हेड नन मिलती है। वो उसको बताती है कि उसका बेटा कॉन्वेंट में बिल्कुल सेफ है, और अब से वो वहीं पर पलेगा और बड़ा होगा, मतलब जो लौला कभी भी नहीं चाहती थी उसके साथ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। वो हेडनन से पूछती है कि जब अडोल्फो मारा गया तब टिन और टीना कहाँ थे, जिस पर हेडनन उसको बताती है कि अडोल्फो की मौत लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से हुई है, और उस समय टिन और टीना दोनों कॉन्वेंट में थे। हालांकि वो जानती थी कि ये काम उन दोनों का ही है, इसीलिए वो जोर जोर से हंसने लगती है, जिसके बाद हमें फिल्म के एंड सीन में लौला को दिखाया जाता है, जो टिन और टीना को अब अपना बच्चा मान चुकी थी, जबकि उसका खुद का बेटा अब हमेशा कॉन्वेंट में रहेगा, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती है तो हो सकता है कि टिन और टीना उसके बच्चे को भी नुकसान पहुंचा दे। लौला अब मेंटली काफी इल हो चुकी है, उसके सोचने और समझने की शक्ति बिल्कुल खत्म हो गई है। वो जानते हुए भी कि टिन और टीना ने ही उसके हस्बैंड को मारा है, उनको अपना चुकी है। टिन और टीना दोनों बाइबल और गॉड टेल से इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं कि उन्हें सही और गलत में फर्क समझ ही नहीं आता। यहाँ बाइबल गलत नहीं है, गलत है उसका इंटरप्रिटेशन, जो उनको सिखाया गया। जितना टिन और टीना गलत है, उतना ही गलत उनका कॉन्वेंट है, और उतनी ही गलत उनकी हेड नन है, जो सब कुछ जानकर भी हमेशा सिर्फ अनजान ही बनी। धर्म हमें कभी भी हिंसा या तोड़ना नहीं सिखाता, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे उन चीजों को इंटरप्रेट करते हैं। वेल, फिलहाल तो आज की इस कहानी में बस इतना ही। बाकी आप हमको कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। सो विद ऑल दैट सेड, आज के इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन मिलेंगे आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर हमेशा की तरह
तब तक के लिए धन्यवाद।